बड़ा विचार चल रहा था 20 जून 17 कोई नए आते हैं तो पहले पहले बाप की महिमा और भारत की महिमा सुनानी है। बाप कौन है और भारत कौन है? बोल बाप, बोल बोल भारत। बाप की महिमा, भारत की महिमा सुनानी है। बाप कहाँ आया है? भारत में आया है। तो बाप अलग हो गया, आने वाला अलग हुआ, और जहाँ आया है वो अलग हुआ, या किस में आया है? मना प्रजापिता को यहाँ भारत लाल किया, और बाप मना शिव ज्योति ली। बाप भारत में आते हैं तो भारत की महिमा हो जाती है, और आने वाला बाप है जो भारत को नरक से स्वर्ग बनाता है उसकी महिमा हो जाती है। तो नया नया को ये दो प्रकार की बातें, बाप की महिमा और भारत की महिमा, भारतीय स्वर्ग बनता है। और धर्मखंड स्वर्ग बनते भी नहीं है। क्यों? और धर्मखंड से आई हुई आत्माएं स्वर्ग नहीं बनती है, वो सब धर्मखंड खलास हो जाते हैं। एक भारत ही सत्य खंड है, जो अविनाशी खंड गाया जाता है वो बचता है। सत्य का कभी नाश नाश ऊंचे से ऊंचे भगवान भारत में ही आते हैं। भगवान ऊंचे से ऊंचे, और जो नीचे से नीचे भारत बन जाता है उस भारत को ऊंचे से ऊंच बना कर जाते हैं। अब वो शिव बाबा तो निराकार है, शिव बाबा निराकार है कि शिव निराकार है? शिव निराकार, शिव बाबा निराकार नहीं। तेज है तो निराकार कहा जाता है। अभी वो आया कैसे? निराकार है तो उसको हाथ पांव नाक कान नहीं होने चाहिए। जिसको हाथ पांव नाक कान होते हैं वो आना जाना करता है, वो तो निराकार है। तो आया कैसे? किस तन में? प्रश्न तो उठता है ना। अब कृष्ण में तो आ ही नहीं सकते, कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है। वहां पर तो बाप को आने की दरकार ही नहीं है, वो तो युग ही सत्य का है। बाप तो आते हैं झूठ खंड में, झूठ की दुनिया में, नरक की दुनिया में, और झूठ खंड में आकर उसको सच खंड बना दीजिए। अच्छा, फिर उधर भारत में कहते हैं कि भागीरथ ने गंगा लाई, भागीरथ की तपस्या गाई हुई है, उन्होंने लंबी तपस्या की, तो लंबे समय की तपस्या का फल ये निकला कि गंगा जो शंकर की जटाओं में समाई हुई थी, तपस्या की तो जटाओं से भी नीचे उतर आई। किधर कहते हैं? उधर कहते हैं। उधर माने किधर? गंगा कहाँ लाई गई? कहते हैं राजा सगर के 7,000 पुरखे थे,
जिनको कपिल मुनि ने साथ देकर भस्म कर दिया। भस्म किया जहाँ भस्म किया होगा वहीं पड़े हूँ। कहाँ पड़े थे? यूपी में, जहाँ कपिल मुनि की यादगार बनाई हुई है। कपिल मुनि का जन्म दिखाते हैं, कपिल मुनि का स्थान दिखाते हैं कपिल नगर, और उनकी समाधि दिखाते हैं कलकत्ते में गंगा सागर। तो वो जीवित रहे होंगे तब भस्म किए होंगे 60,000 पुरुष, तो कहाँ भस्म किए होंगे? गंगा की तलहटी में, गंगा सागर में भस्म किए होंगे, या जहाँ कपिल मुनि तपस्या करते हैं वहां भस्म किए होंगे? तपस्या की यादगार भूमि जहाँ उनकी यादगार बनी हुई है वहाँ उन्होंने भस्म किए होंगे। भागीरथ ने गंगा लाई, अब मनुष्यों की जटाओं में से पानी तो नहीं आ सकता। जटाओं में से गंगा दिखाई है चित्रों में, चित्रकार ने चित्रण किया है, तो चित्रकार का मतलब क्या है, क्या चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, क्या चरित्र? कि जटाओं से गंगा नहीं आती है, जटाएं होती हैं सिर में, सिर है जहाँ बुद्धि है, तो बुद्धि से ज्ञान की गंगा निकल कर बाहर आती है। भागीरथ कोई नाम नहीं है, नाम नहीं है, नाम नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। भागीरथ नाम है तो काम होगा, कोई काम के आधार पर नाम पड़े हैं शास्त्र में, तो काम क्या हुआ भागीरथ? ऐसा क्या काम हुआ जो नाम पड़ा भागीरथ? कुछ काम हुआ है? उसने तो कोई काम नहीं किया, तपस्या की, तपस्या करने के बाद भागीरथ नाम पड़ा, ये पहले ही भागीरथ नाम था है? भागीरथ का अर्थ क्या है? भाग्यशाली रथ। कैसा भाग्यशाली रथ? भाग्यशाली रथ तो सभी है, और रुद्रमाला के मन के भाग्यशाली रथ नहीं है, है? अच्छा, कृष्ण के अंतिम जन्म में ब्रह्मा में नहीं आता? मुकर्र रथ और नान मुकर्र रथ, टेम्पररी रथ या मुकर्र रथ, उसमें भाग्यशाली का क्या कनेक्शन? अच्छा, जो आदि से अंत करता है, जो अंत करेगा वही भाग्यशाली। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, जिसने काम की शुरुआत तो की लेकिन बीच में छोड़ दिया तो उतना अच्छा नहीं माना जाता। तो जो अंत करे वो सब कुछ करे, तो भाग्यशाली रथ कोई नाम नहीं है, भागीरथ माना ही है भाग्यशाली रथ। रथ का नाम चाहिए ना, जैसे परमपिता परमात्मा का नाम है शिव, उनके नाम का किसको भी पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? तो ये यादगार मंदिर कैसे बने हुए हैं? शिव के मंदिर हजारों, सारी दुनिया में लाखों की तादाद में शिव के मंदिर होंगे, तो ये क्यों कह दिया उनके नाम का किसी को पता नहीं है? पता इस अर्थ में नहीं है नहीं, उसके अर्थ को नहीं जानते, सिर्फ नाम लेते हैं शिव, लेकिन वो कैसे कल्याणकारी है, कैसे शिव है वो नहीं जानते।
बाप कहते हैं मैं तो साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। जिस साधारण बूढ़े तन में आता हूँ वो भाग्यशाली रहता ठहरा ना। जो इसमें बाप आकर के प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा हुआ। ब्रह्मा को कहना चाहिए भाग्यशाली रहता है, लेकिन उन्होंने तपस्या की नहीं ना, ऐसी तपस्या नहीं की जिसके ज्ञान गंगा पुरुषों का उद्धार करे, पृथ्वी पर ज्ञान गंगा फैल जाए। जो उसमें बाप आकर प्रवेश करते हैं, भगवान के काम में कोई शरीर आवे वो सिर्फ एक ही शरीर है, क्यों? प्रश्न उसको ब्रह्मा के काम में नहीं आया है? भगवान के काम में ब्रह्मा का शरीर नहीं आया क्या? दादा लिंगराज ब्रह्मा का आया, आया फिर फायदा क्या हुआ? काम आया, प्रवेश करने की काम तो आया, लेकिन काम संपन्न हुआ नहीं? काम संपन्न नहीं हुआ। वो सिर्फ एक ही रथ है जो भगवान के काम आता है। बाप कहते हैं कि मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, इसका आधार प्रकृति माने, प्रति माने रचना, प्रकृति माने प्रत्यक्ष रचना। जो प्रत्यक्ष रचना है उसका आधार लेना पड़ता है, तो कौन सी हुई प्रत्यक्ष रचना? वो कौन सा शरीर? शरीर तो 500-700 करोड़ मनुष्यों के, मनुष्य का शरीर उत्तम माना जाता है। वो शरीर कौन सा है जो आदि से अंत तक मुकर्रर रूप में माना जाता है? वो है प्रजापिता। प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, पड़ता है माने मजबूरी है। प्रकृति का पुतला जब तमो प्रधान तामसी हो जाता है तो मुझे उसका आधार लेना पड़ता है। माने बाबा चाहते हैं मुझे कोई अच्छे से देवता का जिसके चूल्हा मिला होता तो ज्यादा अच्छा था, तो पड़ता है की बात नहीं, अपनी अच्छा से आते, अभी इच्छा से नहीं, पड़ता है, मजबूरी है। बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाप आकर सारे विश्व को एविन बनाए देते हैं, जब तक आते नहीं है तब तक दुनिया नरक बनती रहती, आते हैं तो सारे विश्व को हैविन बनाकर जाते हैं। भारत ही विश्व का मालिक बनता है, दूसरे धर्मखंड विश्व का मालिक नहीं बनते। उनका ही राज्य था। तो यहाँ पर भारत का जड़ जमीन से इंडिकेशन है, जड़ जमीन की तरफ इशारा किया है या किसी व्यक्ति की तरफ इशारा किया है? भारत ही विश्व का मालिक था, मालिक तो कोई व्यक्ति ही होगा, उनका ही राज्य था। राज्य भी किसी व्यक्ति का होता है, अभी थोड़े ही किसी का राज्य है। दुनिया में सब जगह प्रजातंत्र राज्य है, कोई व्यक्ति का राज्य तो है नहीं। सत्युग में छोटा झाड़ होता है, पॉपुलेशन कम होती है, ज्ञान भी है, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, और बच्चों को ज्ञान सितारे कहा जाता है। सितारे फिर कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये किसको कहते हैं? कौन है माता पिता? माता पिता
तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तो कौन है माता पिता? वो ज्ञान सूर्य है, जब इस सृष्टि पर आता है तो माता के रूप में भी आता है और पिता के रूप में भी आता है। तो जिसके द्वारा माता का पार्ट बजाता, माता का कार्य संपन्न होता, प्यार से बच्चों की पालना का कार्य संपन्न होता, ब्राह्मणों का जन्म होता, वो माता ढेरी। और उन ब्राह्मणों को जिस स्वरूप से भगवान के जिस स्वरूप से वर्षा मिलता है, सुख शांति का, शांति धाम सुख धाम का, वो बाप ठहरा। ये किनको कहते हैं माता पिता? गायन जो है उनको फिर करेक्ट करना होता है। बाप आकर के सभी बातों का सार समझाते हैं। गायन है तुम माता पिता, माता पिता कहते हैं, भक्ति मार्ग में जानते नहीं है कि माता पिता कौन है। अभी तो तुम बच्चे जान गए हो कौन है माता कौन है पिता। पहले माता है या पहले पिता? भक्ति मार्ग वाले तो शंकर पार्वती को जगत पिता जगत माता मान लेते हैं, लेकिन पार्वती पहले बच्चों की नजर में आती है या पहले बाप बच्चों की नजर में आता है? पार्वती पहले नजर में आती है। पार्वती ने ऐसा क्या काम किया जो बच्चों की नजर में आ जाए? तो ऐसे ही कहते हैं भक्ति मार्ग वाले, थोड़ी जानते हैं कि जो पार्वती है वो पहले ब्रह्मा का रूप होती है। ब्रह्मा तो सब विष्णु बनता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि पहले ब्रह्मा फिर बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है। तो जो भी गायन है तुम माता पिता हम बालक तेरे, उनको फिर करेक्ट करना होता है। बाप आकर सभी बातों को सार के रूप में समझाते हैं। ज्ञान सागर तो वो बात ही है, है? माता ज्ञान सागर नहीं है, बाप ज्ञान सागर है। भक्ति में ज्ञान नहीं होता है, माना माता भक्ति का रूप है और बाप ज्ञान का बीज रूप है। ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर, और कोई युग में ज्ञान मिलता नहीं है। संगम युग पर जो ज्ञान मिलता है उससे ही दिन होता है। द्वापर कलयुग में जो मनुष्यों का ज्ञान मिलता है उससे रात गहरी होती जाती है, और संगम युग पर जो ज्ञान भगवान से मिलता है उससे रोशनी हो जाती है। क्योंकि जिससे ज्ञान मिलता है वो है चैतन्य ज्ञान सूर्य, फिर भारत स्वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? स्वर्ग बन जाता है। नरक कब था? जब मनुष्यों ने काम किया, धैर्य जाए प्रयास किया, तो नरक ही बनता गया, रौ रौ नरक बन गया। और स्वयं स्थिति में रहने वाले ने प्रयास किया तो भारत स्वर्ग। माना स्वयं स्थिति, माने गया कहा गया, ये भाव से स्वयं स्थिति में चला जाता है तो स्वर्ग बन जाता है। दूसरे धर्मखंड स्वर्ग नहीं बनते हैं, है ना? दूसरे धर्मखंड की जो आत्माएं हैं वो पूरी स्वयं स्थिति में नहीं जा पाती, पहले ही शरीर छोड़ देती है पुरुषार्थ करते करते। जाती है क्या? नहीं, जो पूरे 84 जन्म नहीं लेती है तो नरक के नरक में ही जाएंगे, यही शरीर छोड़ करके ऊपर चले जाते हैं। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए वो यहाँ भगवान से वर्षा स्वर्गता जीते जी लेते हैं, भारत स्वर्ग बन जाता है। सत्य त्रेता में भक्ति होती नहीं है। भक्ति कब होती है? जब भक्ति में दुख अनुभव होता है, द्वैत बात शुरू होता है, द्वापर शुरू होता है, दो दो बातें शुरू होती है, दो राज्य, दो धर्म, दो भाषाएं, दो मत,
तब भक्ति शुरू होती है। बाद में होता है दुख, वहाँ भक्ति ही भक्ति और सचिव में भक्ति होती नहीं, वहाँ कभी सुख नहीं, क्योंकि भगवान नहीं सच्ची रहते हैं। तो नहीं तो सत्व प्रधान होगी या तमो प्रधान होगी, नहीं सच्ची तो सत्व प्रधान होती है, कहेंगे सुख धाम, सुख का धाम, और पंजीव को कहेंगे सुख का धाम। कोई दुखी होता है कहते हैं बाबा हमें बहुत दुख है, हमें ये तकलीफ, हमें वो तकलीफ, बाबा कहते हैं अभी सुखधाम है या सुखधाम है, कहाँ पड़े हुए हो, सुखधाम में क्या होगा, सुखी होगा। ये ज्ञान अभी तुमको मिल रहा है, तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठ रही है, सुखधाम में तो दुखी ही होगा और सुखधाम में तो सुख ही होगा, वहाँ सुख का नाम निशान भी नहीं होगा, और यहाँ कोई कहता हम बड़े सुखी हैं, ये क्षण भंगुर सुख है, आगे कहता बड़े सुखी है, हम कल दुखी हो जाएंगे, कहते भर तक कहे बाबा है, बस हम सुखी है कहते भर तक कहे वो। हाँ जी, कहने कहने का शोध प्रारब्ध मिले फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। ज्ञान कब तक ठहरता है, जब तक सुख की प्रारब्ध नहीं मिली है तब तक ज्ञान है, जब सुख की प्रारब्ध शुरू हो जाती है तो ज्ञान खराब हो जाता है। ज्ञान परंपरा से नहीं चल सकता, एक भाई एक जन एक जन्म के बाद हर हर जन्म में ज्ञान चलता रहे, जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं इस जन्म में ज्ञान लिया पुरुषार्थ किया पूरा नहीं हुआ तो अगले जन्म में मिलेगा, और फिर तो पुरुषार्थ करेंगे, फिर नहीं मिला फिर अगले जन्म में पुरुषार्थ, अनेक जन्मों में पुरुषार्थ करते करते तब कहीं प्रारब्ध मिलेंगे। लेकिन बाप कहते हैं मैं तो एक ही जन्म में आकर के तुमको ज्ञान की प्रारब्ध दे देता हूँ, ये ज्ञान परंपरा से नहीं चल सकता। तुम बच्चों को ही रचयिता और रचना की आदि में जैसे की नाले सुनाते हैं, तुम देवताओं से भी ऊंचो, क्यों देवताओं में ज्ञान नहीं होता, देवताएं भगवान से डायरेक्ट ज्ञान उठाते नहीं, वो तो ज्ञान की प्रारब्ध भोगते हैं, और तुम तो भगवान से डायरेक्ट ज्ञान लेते हो। देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं है, तीनों कालों का ज्ञान सिर्फ तुमको है, तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, त्रिकालदर्शी नहीं हो सकते, देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं हो सकते। तीनों पालों का ज्ञान या देवताओं की बुद्धि में या शूद्रों की बुद्धि में, अगर कोई कहते हैं कि फलाना त्रिकालदर्शी था, फलाना सन्यासी, फलाना महात्मा, फलाना ऋषि त्रिकालदर्शी था, तो सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, अच्छा झूठ बोलते हैं, तुम तो नहीं मानेंगे क्या, कोई भी त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर हो नहीं सकता सिवाय परम पिता परमात्मा, जब तक इस सृष्टि पर ना आवे। तुम जानते हो कि ये ज्ञान बाप ही हर बार आकर के देते हैं, जिससे सारे विश्व का कल्याण हो जाता है, सत्य बन जाता है। अभी तो विश्व भर सारा का सारा नरक है, नई दुनिया में तो देवी देवताएं ही थे, न क्षत्रिय थे न वैश्य थे न शूद्र, सिर्फ देवताएं ही देवताएं थे, क्योंकि देवता कहा जाता है सर्वगुण संपन्न को, चौथाई कला कम हो गई तो देवताई स्थिति नहीं कही जाएगी, क्यों, सचिव चिंता की जो आखिरी जन्म में होते हैं उनको देवता नहीं कहा जाता, उनका टाइटल नहीं है सोलह कलर संपूर्ण, गायन करते हैं तो कहीं गायन ये करते हैं कौन है सोलह कलर संपूर्ण सर्वगुण संपूर्ण, कौन है सोलह कलर गुण संपूर्ण, नहीं पूरी सोलह कलर संपूर्ण हो
और सर्वगुण संपन्न। तो तुम नहीं मानेंगे कि ऋषि उन्हीं त्रिकालदर्शी थे, देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, स्वर्ग तो था, फिर वो ही दुनिया पुरानी हो जाती है, कलप बाद फिर रावण राज्य शुरू होता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है, देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। फिर उनकी देवी देव फिर उनको देवी देवता नहीं कहा, जब उल्टे रास्ते में चले जाते हैं, उल्टा कर्म करना शुरू कर देते हैं, तो देवताओं को देवता नहीं कहा जाता, फिर वो मनुष्य है। तुम्हारी पॉइंट्स तो ढेर हैं, 7 रोज का कोर्स जरूर लेना पड़े, ठहरेंगे तो वो ही जो कल पहले आए होंगे, देवता बने होंगे, वो ही ठहरेंगे और बाकी ठहरने सकेंगे। जो नहीं ठहरेंगे बाद में फिर अपना प्रोग्राम बदल करके आ गए, जावेंगे कहां? जून संसार दूसरे पेज के बारे आवेंगे, सुनेंगे जरूर। ऐसे तो कोटों में कोई निकलते हैं जो उठ सकते हैं, बच्चे जानते हैं कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं, वो निराकार है, उनके पास फिर कैसे जा सकते हैं? कर दिए शिव बाबा निराकार है, फिर उनके पास कैसे जा सकते हैं? हाँ, उनके पास जाते हैं तब जब वो निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होते हैं संसार के सामने। संसार में भगवान की प्रत्यक्षता भी कब होगी? अव्यक्त स्टेज के द्वारा भगवान प्रत्यक्ष होगा या ब्रह्मा साकारी स्टेज में रहा, अंत तक शरीर छोड़ने के दिन भी साकारी चेहरा था। क्राइस्ट का, गुरु नानक का, महात्मा बुद्ध का ये चेहरा देखने से ही कैसे लगता है? निराकारी स्टेज वाला। तो धर्म पिताएं कहे जाते हैं, धर्म पिताओं को निराकारी स्टेज दिखाई जाती है, तो दुनिया उनको धर्म पिता अपने धर्म का बाप मानते हैं, ये तो सारे विश्व का बाप है, तो क्या व्यक्त होगा या अव्यक्त होगा? जरूर देखने से ही अव्यक्त दिखाई पड़ेगा। तो तुम निराकार के पास जाते हो, कैसे जाते हो उसके नजदीक, कैसे जाते हो? जब तुम्हारी खुल की निराकारी स्टेज बने तो तुम भी उसके निराकार के पास जाते हो। इसलिए बोली हूँ क्या बोला, आत्मा जब सारी कटु कर जाती है बेसिकली, तो तुम बाप से डायरेक्ट सुनते हो, फिर कहना पड़ेगा कि हम तो बाप दादा के पास जाते हैं, जिनकी कट नहीं उतरती है, जिनकी बेसिकली कट नहीं उतरती है वो कौन है? वो ये है जिन्होंने देह का प्यार लिया है, ब्रह्मा की गोद में गए, उनकी बुद्धि में यही रहा कि हम ब्रह्मा की गोद में गए, ब्रह्मा का सुख लेते हैं, निराकार उनकी बुद्धि में नहीं आया। जब वाणी सुनने बैठते हैं तो समझते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा वाणी चली, ये थोड़े ही समझते हैं कि वो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर जो कहा जाता है वो वाणी सुनाता है। तो वाणी में उनका खिंचाव नहीं होता था, वाणी सुनते हुए भी खिंचाव किस तरफ रहता था? ब्रह्मा की से हिंदी कर, इसलिए वो साकारी स्टेज बन गई। साकारी स्टेज बनने के कारण
फिर वो निराकारी बुद्धि बन नहीं पाती और साकार स्थिति में टिके रहते हैं, इसलिए पीछे पड़ जाते। तो तुम बच्चे तो कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं, ये भी बहुत मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है कि पास जाना क्या होता है। शरीर से नजदीक जाने को कोई थोड़े ही पास जाना कहा जाता है। पास जाना माने उस स्थिति के नजदीक जाना। जिनकी बुद्धि में बैठता है वो फिर त्रिवस पर जरूर चलते हैं, जिनकी बुद्धि में नहीं बैठता है तो समझते हैं कि ये शिव बाबा की मत है, ये ब्रह्मा की मत है। जिनकी बुद्धि में बैठता है वो समझते हैं हमें निराकार की मत मिलती है, जरूर चलेंगे श्रीमत पर। श्रीमत पर चलने वाले को सपूत कहेंगे। बाप कहते हैं तुम्हारे पास क्या है, सपूत है तो तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है, तुम अपना पोता मेरे बताओ तो देखेंगे कुछ लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो। इतना धन है जो 8 वर्ष 10 वर्ष में पूरा हो सकता है तो भी कहेंगे कि भले ये पड़ा रहे। देखेंगे कि इनके पास बहुत धन है तो कहेंगे सफल करो, हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी निकालो तो मनुष्यों को कुछ फायदा हो जाए, 21 जन्मों के लिए निरोगी काया मिल जाएगी। अज्ञान काल में मनुष्य इतना खर्चा करते हैं तो उनको क्या मिलता है, कुछ भी मिलने का नहीं है। और तुम जानते हो ये मंदिर आदि कुछ भी रहने का नहीं है, ये सारा खलास हो जाएगा। कितना खर्चा किया है इन्हें बनाने में, मनुष्य थोड़े ही समझते हैं। उनको कहो तो भी मानेंगे नहीं, ये मंदिर आदि बनाने से कोई फायदा नहीं है, तो भी बना देंगे। बाप कहते हैं अभी मैं आया हुआ हूँ पतितों को पावन बना करके ले जाने के लिए, फिर संगम इसकी यादगार में मंदिर बनाते हैं। तो भक्ति मार्ग में मंदिर यादगार बन रहे हैं, उनके समय की यादगार है। भगवान ने संगम युग में आकर के नरक की दुनिया को देवताओं का मंदिर स्वर्ग बनाया था, प्रैक्टिकल स्वर्ग बनाया था। उन मंदिरों में कोई स्वर्ग होता है क्या? स्वर्ग तो नहीं होता। विचारी पूजा होती है मंदिरों में, एक देवता की पूजा होती है अनेकों की पूजा होती है। ये दुनिया तो ऐसा मंदिर बन जाएगी कि सारा मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सारा टूट जाएंगे, सिर्फ एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा और उसमें एक ही पूजा होगी और कोई की पूजा नहीं, पूजा भी नहीं। याद संगम युग में है याद और भक्ति मार्ग में है पूजा। तो देखो वहां भक्ति मार्ग में मुख्य पैसे गंवाते रहते हैं, इससे भी ये रूहानी हॉस्पिटल निकालो जिससे मनुष्य देवता बन जावे। मंदिर आदि बनाते हैं तुम कहेंगे ये तो पैसे गंवा रहे हैं, अंधश्रद्धा में डाल रहे हैं, बिना सामने खड़ा हुआ है और ये पैसे मंदिरों में लगा रहे हैं। तुम जानते हो कि अभी भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होता है क्या? वकील में भी मकान बनाया तो ज्ञान में चलने वाले वो भी बहुत से कहने लगे अरे बाबा का कमरा तो रहने दिया होता, पुराना कमरा बाबा जिसमें रहते थे वो कमरा तो रहने दिया होता, तो ये कहाँ के संस्कार हुए? भक्ति मार्ग के संस्कार हो गए। कमरा चाहिए, जड़ मंदिर चाहिए या चैतन्य चाहिए? चैतन्य शरीर ही मंदिर है और उसमें जो आत्मा प्रवेश है
वो देव आत्मा है अथवा भगवान है, गॉड फादर है, उसकी यादगार में मंदिर जड़ मंदिर बनाई गई। तो जड़ मंदिर वो तो है भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा। गणत्व को याद करेंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? गणत्व वही बनेगी। चैतन्य को याद करेंगे तो बुद्धि चैतन्य बनेगी। मंदिर आदि बनाते हैं तो तुम समझते हो तो पैसे गवाए रहे हैं। अभी भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हो जाने का, ज्ञान मार्ग मुर्दाबाद होना है। बात में राग समझा कहते हैं अभी तो मैं आया हुआ हूँ भारत को हेवन बनाने के लिए, हेल का विनाश करवाने के लिए आया हुआ हूँ। क्या बीच में नहीं जाऊंगा? क्या करके जाऊंगा? दोनों काम संपन्न होंगे तब वापस चला जाऊंगा। भगवान तथागत तो ब्राह्मण क्या समझते हैं? भगवान किस लिए आता है? वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि भगवान आता है मुरली चलाने के लिए, ज्ञान सुनाने आता है, ज्ञान सुनाकर चला जाता है। चाहे हेल का विनाश हो या न हो, चाहे हेविन बने या न बने, ज्ञान सुनाकर चला जाता है। फिर हम हेल का विनाश करते हैं और हेवन की स्थापना करते हैं। भक्ति मार्ग में गुरु लोग भी क्या समझते थे? गीता में लिखा हुआ है उन्होंने परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, के पापियों का हम नाश करेंगे और जो शिष्टाचारी हैं उनकी स्थापना करेंगे। तो समझते हैं कि भगवान तो ये ज्ञान सुना के चला गया, गीता ज्ञान, अब ये काम हम करेंगे। तुम किसी को समझा लेंगे तो उनको तीर लग जाएगा। क्या बात समझा लेंगे? ये काम भगवान का ही है, स्वर्ग स्थापन करना और नरक की दुनिया का विनाश करना। ये काम कोई मनुष्यों का नहीं है। अगर मनुष्यों का काम होता तो 2500 साल के बाद स्वर्ग स्थापन कर लिया होता। अगर उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा तो वो मंदिर बनाना भी बंद कर देंगे। जो मंदिर बना रहे हैं वो बनाते बनाते बीच में रोक देंगे। बोलो मंदिर के साथ एक हाल बनाओ, मंदिर उनका बनाना बंद मत करवाओ। उनसे मंदिर के साथ एक हाल बनवाओ जहाँ पर मनुष्यों को ये ईश्वरीय ज्ञान समझाया जाए। इन लक्ष्मीनारायण ने कैसे ये पद पाया? वह लक्ष्मीनारायण का मंदिर भी बना दे, थोड़ा पैसा खर्च करें मंदिर भी बन जाए, लेकिन ज्यादा खर्चा उनका किसमें कराओ? हाल बनवा दे। जहाँ समझाया जाए कि इन्हें लक्ष्मीनारायण ने यह पद कैसे पाया, ये लक्ष्मीनारायण नर से नारायण नारी से लक्ष्मी कैसे बने, गीता में तो लिखा हुआ है। भगवान ने गीता ज्ञान किस लिए सुनाया? नर को नारायण नारी को लक्ष्मी बनाने के लिए। तो उनकी बुद्धि में कुछ बैठे। बाप ने राजयोग सिखाया है जिससे मनुष्य से देवता बने। वो राजयोग कौन सा है जो मनुष्य को देवता तुल्य बनाए देता है? अभी तो कलयुग का अंत है। तो अभी तुम जानते हो कलयुग अंत में नर राक्षस बन जाते हैं। उन राक्षसों को भगवान आकर के देवता बनाते हैं। तुम नारायण बनने का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनते हो, तुम्हारे सामने ही वो फिर झूठी कथाएं सुनाते रहते हैं। एक तरफ तुम सच्चा ज्ञान सुनते हो, दूसरी तरफ वो झूठी कथाएं सुनाते हैं, सत्यनारायण की कथा करते रहते हैं। तो तुमको बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं। अगर कोई सत्यनारायण की कथा में तुमको निमंत्रण दे दे तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए?
क्यों पता नहीं चलेगा हम झूठी कथा सुन रहे हैं। हाँ सुनाते हैं लेकिन वहाँ जाएंगे नहीं, दोनों को कैसे पता कि ये पंडित जी आगे हमको झूठी कथा सुनाए रहे। जाके उनका निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, जाना चाहिए। कोई मरते हैं तो फिर ब्रह्मा कुमारी को बुलाते हैं, क्योंकि सुनते हैं कि ब्रह्मा कुमारी सुख शांति के लिए प्रयास करती है, उसी में लाती है। ब्रह्मा कुमारियों की तो बात रही, लेकिन तुमको तो बहुत बुला देंगे क्या आगे चलकर, तुमको बहुत ही बुला देंगे। तुम जाकर के सत्यनारायण की कथा सुना देंगे सच्ची सच्ची। सुनने के बदले बैठकर सुनाना चाहिए क्या। पंडित जी अगर यहाँ कथा करते हो और लोग तुमको बुला दें तो बजाय तुम उनकी कथा सुनने की क्या करो, कथा सुनाओ। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चल रही है, परंतु इतना हौसला अभी बच्चों की उम्र में चढ़ा नहीं है। कितना हौसला कि पंडित जी कहीं सत्यनारायण की कथा सुनते हो सुनाते हो तो वहाँ जाकर के सच्ची कथा सुनावे और साबित करे ये तो झूठी कथा है। सच्ची कथा तो भगवान आकर सुनाए। बाबा कहते हैं शमशान घाट में जाओ, शमशान घाट में बहुत बैराग आता है लोगों को। जो कोई मर जाता है शमशान घाट में लेके जाते हैं तो बैराग आता है, वहां तुमको बहुत ग्रांड मिल जाते हैं। तो दुनियादारी में तो कोई टीवी देख रहे हैं, कोई अपने मकान महलवाड़ियां बनाने में लगे हुए हैं, कोई कारखाना बनाने में लगे हुए हैं, कोई किसी धंधे धोरे में फंसे हुए हैं। सबकी बुद्धि कुछ न कुछ फंसी हुई है, बड़े उमंग उत्साह में लगे हुए हैं। तो हमारी बात अभी नहीं सुनते। तो शमशान घाट में जाओ, वहाँ बहुत ग्राहक मिलेंगे, वहाँ पर प्रदर्शनी लगा करके समझाना चाहिए। जब तक की मुर्दा जल करके पूरा हो जावे तब तक प्रदर्शनी सुनाते रहो। सुनेंगे तो सुनाएंगे ना, सुन पाएंगे क्या। कितनी बार गए कितनी बार गए? अरे भाई सुनेंगे तभी सुनेंगे तो, तब तुम बताओ कितनी बार गए। एक बार भी नहीं गए ना, बाबा कहते झूठ थोड़ी बोलते हैं, जाने के लिए बोल रहे हैं बाबा। वहाँ तुमको बहुत ग्राहक मिलेंगे, तब तक जाकर सुनाना चाहिए जब तक गुर्दा जलकर पूरा हो जावे। अच्छा कोई ने नाम नहीं सुना, चलो तुम कहते हो कोई नहीं सुना। तो भी तुम्हारा हाथ पेल नहीं होना चाहिए क्या। कोई नहीं सुने तो भी तुम्हारा हाथ पेल नहीं होना चाहिए। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन जाते ही रहना चाहिए। कभी न कभी तो दुनिया मुर्दा घाट बनेगी। जब सारे मुर्दा घाट में पहुंचने लगेंगे तो तुम्हारी बात बहुत। देखो ये कितने दिन से हमारे लिए मेहनत कर रहे थे और हमने इनकी बात नहीं सुनी। तो सर्विस तो बहुत है। अच्छा ओम शांति। एक छोटा सा रात्रि क्लास और है 21:66। कोई चना बेचे तो भी रचयिता और रचना का राज बैठ सुना दे तो मनुष्य भंडर खा देंगे। अरे ये चना बेचने वाला और ज्ञान रत्नों का भंडार दे रहा है। जो ज्ञान ऋषि मुनि कोई भी नहीं देते थे वो ये चना बेचने वाला हमको ज्ञान सुनाएगा। और बातें तो कितनी सच्ची सुनाता है। जब समझेंगे ये जरूर कोई ब्रह्मा कुमारी का पाला हुआ है। तुम बच्चों को ज्ञान की लोरी दी जाती है, ज्ञान की लोरी ऐसी है जो दुनिया भर में कोई को नहीं जानते। कोई के पास ये लोरी नहीं है, वंडरफुल बातें हैं। अब तुम संघ में भी ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण चाहो तो चना भी बेच सकते हो।
ये चित्र भी साथ साथ में ले जाओ, चना भी बेचते जाओ और चित्र भी बेचते जाओ। पहले ज्ञान सुनाओ फिर चित्र, चना की झोली बंद करो और चित्रों की थैली। खर्चा जो भी होता है वो तुम्हारा निकल सकता है, बहुत बिकेगा। ये धंधा भी है, कैलेंडर छपवा करके बेचते हैं, तो तुम्हारे भी ईश्वरी ज्ञान के कैलेंडर है, डबल करके व डेढ़ गुना करके भी बेच सकते हैं। जितना खर्चा हुआ हो उस खर्चे का दुगुना भी बेच सकते हैं। तुम्हारा भी ऐसे ही हो सकता है। हमेशा धंधे में मनुष्य बहुत होशियार होते हैं। तुम्हारी ये चीजें ऐसी हैं जो हर एक कोई लेगा, और प्रदर्शनी में तो फिर बहुत लेंगे। तुम्हारे बैजेज भी बहुत बिक सकते हैं, परंतु इतना ध्यान तुम बच्चे देते नहीं हो इस बात में। बैजेज जो बनाते हैं उन बैजेज को बेचने में तुम इतना ध्यान देते नहीं हो। एक लेगा फिर दूसरा भी ले लेगा। ये लाख करोड़ कोई भी चीज नहीं है इन चित्रों के सामने, सब खत्म हो जाएगा। बाबा को तो बहुत नशा रहता है, वर्णन करते हैं ये करोड़ तो कुछ भी काम के नहीं है, और स्वर्ग की दुनिया तो स्वर्ग है, यहाँ तो मनुष्य नरक में पड़े हुए। सचमुच में तो तुम बहुत सुखी रहते हो, अथाह सुख होता है। तुम भाई बहन है सब कहते हो बाबा हम आपको ही फॉलो करेंगे, हम विजयवाड़ा में आकर दिखा देंगे। और पढ़ाई तो एक ही है, पढ़ाने वाला भी एक ही है। फिर कोई विजयमाला में आते हैं तो नहीं आ पाते हैं, उसका कारण क्या हुआ? पढ़ाई नहीं पढ़ते। अच्छा बेटे में किसी दिन बच्चों को बाप दादा का याद किया Thank you.